Hello everybody, I am Roberto Ferrari from the University of Ferrara, and I'm here to tell you that to have elevated blood pressure is bad. It damages the heart, the brain, and the kidney. And the problem is that you do not feel the level of pressure in the pipes of your body. For this reason, hypertension or high blood pressure is considered the silent killer. This is because there is too much salt in your meal. So please, my message to you is please, please reduce the salt in your meal. Cook with less salt. Remember, this is an SOS. Step down with your salt. It's very important for your health. Of course, this can be done, and Dr. Karen Saraf will tell you how to do it. Namaskar, main Dr. Karen Saraf, Senior Consultant Nephrologist, Free Medicine Hospital, Raipur mein karyarat hu. Aaj main aapse khane mein badhe hue namak ki mahatva ke bare mein charcha karunga. जैसे कि हम सब जानते हैं कि भारत में दिन ब दिन वे हाई बीपी के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, जिसको हम हाइपरटेंशन भी बोलते हैं. उसका मुख्य कारण खाने में बढ़े हुआ नमक होता है, और उससे रिलेटेड मैं आपसे चर्चा करूंगा. आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि बढ़ा हुआ बीपी हमारे शरीर में बहुत सारे अंगों को प्रभावित करता है, जैसे कि मस्तिष्क, हार्ट और किडनी. मुख्यतः मस्तिष्क में इसके प्रभाव से लकवे आने की शिकायत हो सकती है, हार्ट में हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ सकते हैं, और किडनी में किडनी खराब होने की संभावना बढ़ जाती है. तो इसमें जो मुख्य कारण है, जो हमारा बढ़ा हुआ नमक है, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं? जैसे पहला हम एक स्टेप जरूर उठा सकते हैं, जो हमारे खाने में जो पूड़ी बन रही है घर में, रोटी बन रही है, पराठे बन रहे हैं, चावल बन रहे हैं, उसमें जो एडिशनल नमक डालता है उसको हम ना डालें. जो हम खाने में पापड़, अचार, मिक्सचर, चूड़ा, सलाद में डालने वाला नमक, या ये जो चीज़ें हैं, इससे हम बच सकते हैं. तीसरा, हम धीरे धीरे अपने घर में जब ये दोनों कर लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे अगर हमारे खाने में जो नमक जो हम यूज़ करते हैं उसको धीरे धीरे कम कर सकते हैं, और एक ऑप्टिमम लेवल पे हम ला सकते हैं. चौथा, हमारे घर में जो भी नमक की डब्बियाँ जो हमारे डाइनिंग टेबल में रखी रहती हैं, कोशिश करें हम उसको अपने हमारे डाइनिंग टेबल में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं रहे जो हमको प्रेरित करे कि हम नमक डालें. और इसीलिए भारतीयों का यही जो पैटर्न है खाने का, इसीलिए भारतीयों का पैटर्न में करीब करीब दिन में 24 घंटे में 10 से 11 ग्राम का नमक सेवन बढ़ जाता है, आ जाता है. और जो भारत वैसे रिकमेंडेशन जो है WHO का, वो दिन में 5 ग्राम तक का है. तो अगर हम ये धीरे धीरे अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करें तो हम अपने खाने में नमक की मात्रा भी कम कर सकते हैं, और अपना ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल कर सकते हैं, और जिसके कारण हमारे जो बॉडी में जो साइड इफेक्ट या प्रभाव आ रहे हैं उसको हम रोक सकते हैं. धन्यवाद.